जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट्स का यूज तो आप सभी करते हैं, लेकिन वेब पोर्टल के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आखिर ये वेब पोर्टल होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसको यूज कौन करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे वेब पोर्टल्स होते हैं, ये बेसिकली एक वेबसाइट होती है, लेकिन एक नॉर्मल वेबसाइट से कंप्लीटली अलग होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके अंदर होता क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेज को एक साथ कलेक्ट किया जाता है और उनके जरिए वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि जो उसके यूजर्स हैं उनको आसानी से कह सकते हैं वो इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको अपना ज्यादा टाइम वहां पर इंटरनेट पर वेस्ट ना करना पड़े। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी आज के समय में पोर्टल्स बनाए जाते हैं, उन सभी को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। जैसे एक कैटेगरी हो गई जॉब की, यानी कि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पर जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे naukri.com हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, ये न्यूज पोर्टल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कोई काम है तो यहाँ पर आप UIDAI के पोर्टल पर जा सकते हैं, वहां पर आप सारे आधार से रिलेटेड कामों को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, वहां पर अलग अलग कैटेगरीज के पोर्टल्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी पोर्टल में एंटर करते हैं तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए वहां पर आपको रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्टर्ड करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो वहां से आपको एक आईडी प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन इंडिविजुअली आप वहां पर रजिस्टर करते हैं तो आपको अपने जीमेल आईडी के थ्रू यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करना होता है, जिसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर बात की जाए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, तो एक नॉर्मल वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो उस वेबसाइट पर जितनी भी नॉलेज है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल पर ऐसा नहीं है। पोर्टल पर आपको उतनी ही जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी जिस रोल के लिए वहां पर आप काम कर रहे हैं। यानी कि मान के चलिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहां का कोई पोर्टल है, तो उस पोर्टल की जो आईडी आपको दी जाएगी, जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपकी जानकारी आपको सिर्फ देखने मिलेगी। यानी कि आपकी जो होम पेज होता है, जिसमें आपके बेसिक नॉलेज होती है, आपके रिजल्ट्स होते हैं, आपके फीस ड्यू हो गया, ये सारी जानकारियां जो आपसे रिलेटेड है वही वहां पर वो दिखाई जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए किसी भी पोर्टल का जो कॉन्टेंट होता है वो काफी डायनेमिक होता है, यानी कि उसको टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात की जाए हमारे इंडिया के जो फेमस हमारे पोर्टल्स हैं, जैसे आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ले सकते हैं, आप कोई न्यूज सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं गूगल का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो वीडियोज के लिए सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है यूट्यूब, उसका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके अगर कोई जॉब सर्च करना चाहते हैं, naukri.com जैसी वेबसाइट पोर्टल पर आप आसानी से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो हमारे अलग अलग पोर्टल्स हैं वो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।